सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी भी डरा नहीं सकती। सारी जिंदगी रखा है रिश्तों का भरम मैंने, लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। आज का पंचांग 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 2:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 3:01 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:35 से 2:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। व्रत और त्योहार की बात करें तो आज है संकष्टी, गणेश चतुर्थी और सौभाग्य सुंदरी तीज। इनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्क राशि 30 नवंबर 2023 दिन गुरुवार, आप आज किसी अपराजय शक्ति कुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज के दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई रोक नहीं सकता। आज के दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज इस राशि के जातकों को घर परिवार के मामलों में अनुकूल स्थिति का अनुभव होगा। पिता और पैतृक संपत्ति से भी आज आपको लाभ मिल सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आज आपकी रुचि रहेगी। परिवार के सभी सदस्य अपने काम पर फोकस करेंगे और एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। किसी घरेलू मुद्दे को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपका प्रेम और तालमेल बना रहेगा। किसी शुभ कार्य में भी आज आप भाग ले सकती हैं। आप एक लंबे समय से धीरे और संकीर्ण रास्ते में कठिन काम कर रही हैं, लेकिन आज आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं। हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है। लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे, और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा कमाई है वो आप गंवा सकते हैं। किसी कानूनी मामलों में आप अपने पिताजी से मदद लेकर आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु उन पर ध्यान न दें। दांपत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी। आप अपने जरूरी कामों की सूची बनाकर चले और उन्हें पहले पूरा करने की कोशिश करें। सावधानियां, श्रेष्ठ जनों से आपकी मुलाकात होगी। पार्टनरशिप में चल रहे व्यवसाय में आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको पार्टनर पर पूरी निगरानी बनाकर रखनी होगी। भाईचारे की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप माता पिता को किसी धार्मिक स्थान पर लेकर जा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास नहीं कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी मोटी शिकायतें और मुद्दे एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार आप करेंगे उससे आपके रास्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए आपको अब सोच समझकर ऐसे निर्णय लेने हैं जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हो। बात करते हैं करियर की। कारोबार के मामलों में दिन इस राशि वालों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है। आज आपकी राशि से भाग्य स्थान में हर उस क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे जिसमें आप प्रयास करेंगे। पूर्व में किए गए निवेश और योजनाओं का भी आज आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको वरिष्ठ जनों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आप वाहन मकान आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो कार्य के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस से संबंधित कार्य करने वाले जातकों के लिए दिन विशेष रूप से फायदेमंद होगा। बात करते हैं सेहत की। आज के दिन आपकी जीवन शैली में कुछ
अनपेक्षित बदलाव करने के लिए एकदम उपयुक्त है। आप ऐसे किसी आदमी से मिलेंगी या ऐसी किसी स्थिति के बारे में आपको पता चलेगा कि आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपनी भोजन संबंधित आदतों में बदलाव करना होगा। आपको स्वास्थ्य कर भोजन के बारे में कुछ बहुत अच्छी सलाह भी मिलेगी। आज का उपाय, आज आप तुलसी चालीसा का पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।